मॉर्निंग चर्च, मैं आप सभी का फिर से एक बार हिंदी पॉडकास्ट सर्विस में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों के पास बाइबल और नोटबुक आपने रेडी रखा होगा, यहां पर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। और मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जहां पर हम सभी को इस जूम मीटिंग के द्वारा अभी तक जुड़े रखा है। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि हम एक्ट्स के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, जैसे हमारा सीरीज चल रहा है, बहुत सारी चीजें हम सीख पा रहे हैं। जिसे पिछले संडे हमने अध्याय 4 के ऊपर बहुत सारी चीजें सीखी पत्रस और यूहन्ना द्वारा, आज उसका अगला भाग हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा कि आप आपके बाइबल और नोटबुक तैयारी में रखें। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक वचन शेयर करना चाहता हूं। आइए हम जाएंगे भजन संहिता 92 में, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रात काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। आमेन। तो परमेश्वर के काम और कार्य बहुत ही गंभीर है और बहुत ही जय जयकार के लायक है, क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर है और उसकी महिमा और स्तुति हमें करना बहुत ही जरूरी है। और हमें उसके वचनों पर बहुत गंभीरता से हमें भी ध्यान लगाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु भोज होगा, आइए हम अपने दिलों को खोले और संदेश होगा, हम अपने दिलों को तैयार रखें ताकि हम और भी बढ़िया बढ़िया चीजें सीख सके। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे मेरे मान और जीवित पिता परमेश्वर, आभारी आपके प्यार, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, जहां पर आपने हमें इतने पापी होकर भी गले लगाया है और हमें अभी तक जीवित रखा है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं बहुत ही आभारी हूँ आपके हर आशीष और आपके हर कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे जीवन में योजना की है। पिता, मैं मानता हूँ कि आपकी इच्छा और आपकी योजना हो हमारे जीवन में हर वक्त। हम जैसे ही आगे और भी चीजें सीखेंगे, होने देना कि आप हमारे दिल को खोले। आएगा सारा वक्त मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा।
निश्चित जाऊंगा यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया कर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा तीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा तीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवन है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवन है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते गाऊंगा, और दौड़ते कहूंगा, और दौड़ते कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीव है, कितना आनंद है। वो खोजते खोजते आया, गले लगाया अपने, वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने, मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे पाप को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। में वो जीव है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीव है, कितना
प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू से प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, वहाँ जीवन का स्रोता बहा, उसके पंजर में भाला छिड़ा, उसके हाथों में कीले टूटी, उसने क्या क्या दुख ना सहा, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु,
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रभु भोज का समय है। आइए प्रभु भोज में जाने से पहले हम अपने दिलों को जांचें और अपना पूरा ध्यान मसीह के उस क्रूस की ओर केंद्रित करें जहाँ यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। आइए हम वचन में देखेंगे। आइए हम जाएंगे पहला पत्रस अध्याय 2 में वचन 21 से पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए उस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। आमीन। इस तरह भाई बहनों, हम सभी जानते हैं मसीह निसअपराध थे, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, मगर फिर भी उन्होंने हमारे लिए किस तरह उस पर दी गए, किस तरह उन्होंने उस पर जाने से पहले हर एक को सताव सहा, उनके ऊपर थूका गया, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके भाले से छेदा गया, और फिर भी उन्होंने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, कोई बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते। तो आइए भाई बहनों, आज हम अपने आप को जांचे देखें कि आज हमारा जीवन किस प्रकार है। अगर कोई हमें अपशब्द बोलता है, अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो हम किस प्रकार से उसका जवाब देते हैं? क्या हम मसीह की तरह सहन करते हैं या पलट के हम जवाब देते हैं? आइए भाई बहनों, समय है जहां हम अपने आप को बदल सकते हैं, यीशु मसीह से क्षमा मांग सकते हैं। जैसे हम रोटी और दाखरस लेंगे जो यीशु मसीह का देह और लहू का प्रतीक है, आइए हम अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पण करेंगे। आइए हम रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बहुत ही धन्यवाद देते पिता आपके प्रेम के लिए। वो आपने हमारे लिए पिता अपना इकलौता पुत्र दे दिया परमेश्वर, ताकि हम बचाए जा रहे परमेश्वर। प्लीज पिता, हम कमजोर है, पापी है पिता, प्लीज हमें क्षमा कर देना, हमें बढ़िया दिल देना परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों पर चले पिता। और वो इस रोटी और दाखरस के ऊपर आश्रित करना परमेश्वर, जो आपके देह और लहू का प्रतीक है, आगे का सारा समय आपके हाथ में देते। ये छोटी सी प्रार्थना आप ही के इकलौते पुत्र प्यारे यीशु मसीह के नाम से करते, आमीन। प्रभुभोज का समय समाप्त होता है और ये समय है दान का समय है। आइए हम दान के लिए क्वेश्चन देखेंगे। हम जाएंगे दूसरा कुरंतियों अध्याय 9 में वचन 6 से पढ़ेंगे। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखते हैं। तो आइए भाई बहनों, हम जो भी दान दें बढ़िया दे, दिल से दे, ना कि कुड़कुड़ा के, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर्ष से देने वाले को परमेश्वर आशीष करता है। तो आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। ये मेरे शुद्ध और पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए, जो पिता आप हम पे हमेशा बनाए रखते हैं परमेश्वर। पिता आज जो कुछ हमें हमारे पास है पिता, सभी कुछ आपका दिया हुआ है परमेश्वर, बहुत ही धन्यवाद देता हूँ पिता आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। प्रभु हम जैसे दान देंगे पिता, हमें मदद करना था कि हम जो भी दान दे बढ़िया दे, दिल से दे परमेश्वर। प्रभु इस दान के ऊपर आपका आशीष बनाए रखना, जो कलीसिया के अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पिता, आगे का सारा समय आपके हाथ में देता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना आप ही के इकलौते पुत्र प्यारे यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।
गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों, मैं आज की सुबह आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज की सुबह आप सभी उत्साहित है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और अगर आप उत्साहित नहीं है या निराश महसूस कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपकी आत्माओं के लिए प्रोत्साहन का कारण बन जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम प्रेरितों की किताब से गहराई से सीख रहे हैं, और पिछले हफ्ते हमने अध्याय 4 के पहले भाग से सीखा। हमने देखा कि कैसे जन्म के लंगड़े मनुष्य को चंगाई देने के बाद पत्रस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया जाता है और महासभा के सामने पेश किया जाता है, और उन्हें पूछा जाता है कि तुमने यह चंगाई किस सामर्थ्य से की, किसके नाम से की। जिस पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पत्रस उन्हें कहता है कि ये चंगाई हमने यीशु के नाम से दी है, और जब वो उनमें कोई गलती नहीं पाते तो उन्हें यीशु मसीह के प्रचार करने के खिलाफ धमका कर छोड़ देते हैं। और ये पहली बार था जब कलीसिया ने उन पर सताव का अनुभव किया होगा। आइए हम आगे पढ़ते और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सो मेरा पहला अंक है हमारी पहली प्रतिक्रिया। हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 4 में वचन 23-31। वचन कहता है, वे छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजक और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ क्या हो रहा है? जैसा मैंने पहले बताया, ये पहली बार था कि कलीसिया को धमकियों का सामना करना पड़ा, और बाद में ये धमकियां सताव में बदल जाती है। आइए देखते हैं कि वचन क्या कहता है सताव के बारे में। फिलिपियों की किताब अध्याय 1:29 कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यूहन्ना की किताब अध्याय 16:2-33 कहता है कि वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे, वरन वह समय भी आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। वचन 33 कहता है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर हम दूसरा तीमुतियुस की किताब अध्याय 3:12 पढ़े, वह कहता है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। भाइयों और बहनों, सताव आएगा। आज हम पर शारीरिक सताव नहीं आता या अत्याचार नहीं होता, पर हमें चिंता नहीं करनी है, वो वक्त भी जल्द आएगा। वचन कहता है कि जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वचन यह भी कहता है कि जब हम पर क्लेश होता है हमें धाड़स रखना है, और जिस मसीह ने हम पर अपना अनुग्रह किया है उसके लिए हमें दुख भी उठाना है। भाई और बहनों, जब सताव आया पत्रस और यूहन्ना ने क्या किया? वचन 23-24 कहता है कि वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर
ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। भाई और बहनों, उन्होंने प्रार्थना की, ये उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। लेकिन प्रश्न यह है कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जब हमारे जीवनों में कष्ट आता है, जब हमारे जीवनों में दुख आता है या कोई असुविधाजनक बात हो जाती है। भाई और बहनों, मैं आत्मिक सताव के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। अगर हम देखें हमारे जीवनों में आने वाले 90% दुख या कष्ट हमारे खुद के मूर्खतापूर्ण निर्णयों के कारण आते हैं, हमारे खुद के फैसले के कारण आते हैं। लेकिन उस वक्त के बारे में क्या जब हमें ख्रिस्ती होने के कारण सताया जाता है, जब लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं और यीशु मसीह की मूर्तियों को और चर्च की खिड़कियों को तोड़ते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हम क्या करते हैं? भाई और बहनों, हम शिकायत करते हैं, हम कैंडल मार्च करते हैं, शांति के लिए विरोध करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। लेकिन हमने कभी किसी को बाइबल में ऐसे करते नहीं देखा। क्या हमने देखा है? बिल्कुल नहीं। क्या यहां हमने देखा कि पत्रस और यूहन्ना उन सबको बता रहे हैं कि इन लोगों ने हमें बिना वारंट गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या अन्याय मुकदमा था वो? या फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगता है कि मेरे मानव अधिकारों को किसी ने चुनौती दी है। पत्रस और यूहन्ना ने आकर ये बातें नहीं की। भाई और बहनों, हमें सामाजिक योद्धा या न्यायी बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, पर हमें बुलाया गया है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। हम कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है भाई और बहनों, हम आत्मिक कार्यकर्ता है, एक मिशन के साथ जहां हमें संसार में खोए हुओं को बचाना है। हमें याद रखना है कि हम ख्रिस्ती हैं, हम इस संसार के नहीं है, और यहां तक कि यह अस्थाई दुनिया भी मुझसे और आपसे बड़ी है। और जितना ज्यादा हम वचनों में ध्यान लगाएंगे, उतना ज्यादा हम देखेंगे कि ये बातें यीशु मसीह के बारे में है, ना कि हमारे बारे में। भाई और बहनों, हमारा सताया जाना हमें अपमानजनक क्यों लगता है? मेरा मतलब, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हमारा विश्वास है, उनको अपमानित किया गया, उनको क्रूरता से मारा गया और लोगों की भीड़ के सामने उनको क्रूस पर लटकाया गया कि उनका मजाक उड़ाया जाए। अगर हम उसी मसीह के शिष्य हैं, तो हम लोगों से अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे? उन शिष्यों की पहली प्रतिक्रिया थी कि वो एक साथ मिले और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और यही हमारी भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हमें सिर्फ तभी प्रार्थना नहीं करनी है जब हम पर सताव या परेशानी आती है, पर हमें तब भी प्रार्थना करनी है जब सभी सही चल रहा हो। सिर्फ शोक के वक्त नहीं, पर खुशियों के वक्त भी हमें प्रार्थना करनी है। हर वक्त हर परिस्थिति में हमारी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए प्रार्थना। आइए हम उनकी प्रार्थनाओं को देखते हैं, और आइए हम देखते हैं कि उनकी प्रार्थना का आधार कौन है। हम पढ़ते हैं अध्याय 4 के 24 से लेकर 28 तक। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। भाई और बहनों, उन्होंने प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना किसके लिए थी? उनकी प्रार्थनाएं थी परमेश्वर के लिए। उनकी प्रार्थनाएं समर्पित होती थी एक ही लक्ष्य पर, और वो लक्ष्य था परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं का लक्ष्य कोई मनुष्य नहीं था, कोई परिस्थिति नहीं थी या उनकी जीवन की परेशानियां नहीं थी, पर उनका सारा लक्ष्य, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर था। भाइयों बहनों, अगर मैं उनके जगह पे होता तो मैं बताऊं मेरी प्रार्थना कैसी होती। मेरी प्रार्थना होती कि हे हमारे परमेश्वर,
आपने हमें बताया कि हमें जाकर यरूशलेम में प्रचार करना है और हमने किया। हमने आपके नाम से चंगाइयां भी दी। वो बहुत ही अद्भुत समय था, पर हमें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। उन्होंने जेल में हमें खाना तक नहीं दिया। आपके खातिर हम भूखे रहे पिता परमेश्वर। फिर हम पर मुकदमा हुआ और उन्होंने हमें चेतावनी देकर कहा कि आपके नाम से प्रचार न करें। परमेश्वर, मैं आपसे मांगता हूँ कि आप इस परिस्थिति के बारे में कुछ तो करो और ऐसा करो कि आपके नाम का प्रचार करना आसान हो जाए और बहुत सारे लोग उसे सुन सके। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। ये मेरी स्वार्थी प्रार्थना होगी। पर इन सारे शिष्यों की प्रार्थनाएं देखी आपने, उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप महान हो, सारे अधिकार आपके पास है, आप बॉस हो। और ये प्रार्थनाएं वो भजन संहिता 2 के वचनों से कह रहे थे, जहां दाऊद ने अपनी आत्मा से एक संदेश पूर्ण भजन लिखा है कि कैसे पूरा राष्ट्र परमेश्वर और मसीह के खिलाफ भड़के हुए हैं। अगर आप भजन संहिता की किताब अध्याय 2 वचन 2 देखिए, वचन कहता है, यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। इस वचन में मसीह को अभिषिक्त इस वाक्य से संबोधित किया है। खैर, ये अनुवाद गलत नहीं है। अभिषिक्त इस शब्द को यहूदी या हिब्रू भाषा में मसाया कहते हैं और ग्रीक भाषा में मसाया को क्रिस्टास कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्राइस्ट कहते हैं, यानी मसीह। सो ये एक ही शब्द है। आइए आगे वो परमेश्वर की स्तुति करके कहते हैं कि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया है, हेरोदेस और पिंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरे सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। भाई और बहनों, वो उनकी प्रार्थनाओं में खुद को याद दिला रहे हैं और ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि अब तक जो कुछ भी उनके साथ हुआ है और आगे भी जो कुछ उनके साथ होगा वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो रहा है। और विश्वासियों के लिए परमेश्वर को छोड़ और कोई शरण स्थान नहीं है। इससे बड़ा और कोई आशीष नहीं कि हमारे जीवन परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं। और ये वही परमेश्वर है जिसके प्रति चेलों की प्रार्थनाएं समर्पित थी। आज आपकी प्रार्थनाएं किसके लिए समर्पित है? क्या आज आप अपनी समस्याओं की ओर देख रहे हैं या परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? आइए हम आगे पढ़ते हैं और उनकी प्रार्थनाओं में देखते हैं। हमने उनकी प्रार्थनाओं में स्तुति देखी और अब हम देखते हैं उनकी विनतियां और उनके निवेदन। हम पढ़ते हैं वचन 29 से लेके 31 तक। वचन कहता है कि अब है प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। भाइयों और बहनों, उनकी प्रार्थनाओं में उनके निवेदन क्या थे, उनकी विनतियां क्या थी? यही कि परमेश्वर हमें वरदान दे कि तेरे वचन को हम बड़े जोरों शोरों से, बड़े हियाव से सुनाए। हमें और आत्मविश्वास चाहिए, हमें और साहस चाहिए कि हम तेरे वचन का प्रचार कर सकें। भाई और बहनों, उन पर सताव किस कारण आया आपको याद है? उनके ही निर्भीकता, उनके ही साहस के कारण आया था। और अब उनकी प्रतिक्रिया क्या है? वे परमेश्वर से अधिक मांग रहे हैं, और ज़्यादा मांग रहे हैं। अगर कोई साधारण मनुष्य उनकी प्रार्थनाएं सुने तो बस यही कहेगा कि क्या तुम पागल हो। खैर भाई और बहनों, आपका स्वागत है ऐसे राज्य में जहां सब उल्टा है, क्योंकि हम ऐसे ही काम करते हैं। भाइयों और बहनों, आप हमें थप्पड़ मारो, हम दूसरा गाल आगे करेंगे। आपको हमसे नफरत है, हम आपसे प्यार करेंगे। तुम हमें श्राप दो, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हमें तुम सताओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। इसी के लिए पौलुस 1 कुरिन्थियों की किताब अध्याय 2 में वचन 14 में कहता है कि परंतु शारीरिक मनुष्य
परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यही बात है भाइयों और बहनों, अगर हमारी शिष्यता दुनिया को समझ में आ रही है तो हम गलत जा रहे हैं। जैसा वचन कहता है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी नजर में मूर्खता की बातें हैं और वे उन्हें नहीं जान सकते, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से ही होती है। आइए हम इन शिष्यों से कुछ सीखें। आज हमें जांचना है हमारी प्रार्थनाओं को। क्या हमारे प्रार्थनाओं में हमारे निवेदन या हमारी विनतियां हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होती है? हम देख सकते हैं कि उनकी इस आत्मिक उन्नति की विनतियों की मांग का नतीजा क्या हुआ। वचन 31 कहता है कि जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। भाइयों और बहनों, उन्होंने प्रार्थना में आत्मिक उन्नति के लिए मांगा और परमेश्वर ने वो पूरा किया। आमीन। भाइयों और बहनों, आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आज आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं? तो ये वचन आपके लिए एक प्रोत्साहन का काम करेगा। हम पढ़ते हैं याकूब के किताब अध्याय 1 में वचन 2-4। वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में फिर किसी बात की घटी न रहे। आमीन। अगर हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम परीक्षाओं में फंसे हैं, ये वचन हमें प्रोत्साहन देता है और हमें आशा देता है कि अगर हम ऐसे कठिन परिस्थितियों में धीरज बनाए रखें तो निश्चय हम एक पूर्ण और सिद्ध मनुष्य बन सकेंगे जिसमें किसी बात की कमी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अंक की ओर। तो मेरा दूसरा अंक है, विश्वासियों का सब कुछ साझे का था। हम पढ़ते हैं अध्याय 4 के वचन 32 से लेके 34 तक। वचन कहता है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त होकर एक मन के साथ, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेतों के पाँव पर रखते थे। आमीन। सो यहां हम फिर से देख सकते हैं कि लूका शुरुआती कलीसियाओं के जीवन के बारे में बता रहा है। हमने कलीसिया का ये रूप अध्याय 2 के वचन 42 से 47 में भी देखा है और अब यहां पर भी हम देख सकते हैं। सो लूका हमें इस कलीसिया के बारे में बताता है कि वह विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। भाइयों और बहनों, कलीसिया ऐसी ही होनी चाहिए जहां हम एक कलीसिया के भाग है और कलीसिया मसीह का शरीर है। भले ही हम संख्या में बहुत है पर हम एक शरीर का भाग है, इसलिए एक शरीर के लिए एक दिल और एक आत्मा का होना स्वाभाविक बात है। भाइयों और बहनों, वो सारे एक जैसे थे, उन्होंने दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो चाहते थे कि उनके साथ हो, जैसे सम्मान और प्रेम का व्यवहार। वो दूसरों को खुद से बेहतर समझते थे। भाइयों और बहनों, क्या आज हमारा स्वभाव ऐसा है इन विश्वासी भाइयों और बहनों जैसा? अगर नहीं है तो हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। और उनमें ऐसा क्या था? वचन 32 कहता है, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था परंतु सब कुछ साझे का था। आमीन। उनकी कोई भी बात उनकी खुद की नहीं थी, उन सभी का सब कुछ एक दूसरे के लिए था। सो भाइयों और बहनों, क्या आज हम ऐसे हैं? क्या आज हम चाहते हैं कि सिर्फ दूसरे हमारे लिए अच्छा करें या हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? मैं बहुत ही कदर करना चाहता हूं उन भाइयों और बहनों का जो हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
और ऐसे भाई बहन हमारे कलीसिया में हैं जो दूसरों से अपने से ज्यादा प्यार करते हैं। वाओ, मैं बहुत ही कदर करता हूं उन भाइयों और बहनों का। भाई और बहनों, आगे लुका कहता है अध्याय 33 से लेके 35 तक, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि ये लोग ऐसा क्यों करते थे। जैसा हमने प्रेरित अध्याय 2 में देखा कि बहुत सारे यहूदी लोग फसह का पर्व मनाने यानी पेंटिकोस का दिन मनाने के लिए यरूशलेम में आते थे, और ये वही दिन है जब पवित्र आत्मा चेलों पर आग की लपटों के नाई आया और जो पवित्र आत्मा से भर गए, और पत्रस ने प्रचार किया और 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और जैसा वचन में लिखा है कि बपतिस्मा लेने के बाद ये शिष्य खुद के घर वापस नहीं लौटे और वे यरूशलेम में ही रहे। क्यों? सोचिए कि आप भारत के एक यहूदी हैं और आप फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आते हैं, वही आप सुसमाचार सुनते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और एक शिष्य बन जाते हैं। अगर आप वापस जाते हैं तो आपके लिए विश्वासियों की कोई कलीसिया नहीं है। भाई और बहनों, इन चेलों के लिए संगति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर मेरे देश में ऐसी कोई कलीसिया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यही रुकूंगा और शायद एक मिशन टीम लेकर वापस भारत जाऊंगा। यहाँ हमारे पास 3,000 नए शिष्य हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है या रहने के लिए कोई जगह नहीं है, पर शिष्यों की प्रतिक्रिया उन नए शिष्यों के प्रति क्या थी? उनकी प्रतिक्रिया थी कि कोई बात नहीं, तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं, मेरे घर पर रहो। और इतना ही नहीं, पर वो शिष्य जो यात्री थे वो अपने निवास स्थान गए और अपने घर बेच दिए, और जो पैसे उन्हें मिले उन्हें यरूशलेम आकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिया। वो ऐसे शिष्य नहीं थे जो सिर्फ लेने की इच्छा रखते थे, पर यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने खुद से योगदान दिया, और वो ऐसे इसलिए थे कि उन्होंने अनुमति दी पवित्र आत्मा को उनमें कार्य करने के लिए। उसी पवित्र आत्मा के कारण वह एक दूसरे के साथ एक मन होकर रह सके। उसी पवित्र आत्मा के कारण वो एक दूसरे के लिए सोचते थे, अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए सौंप देते थे और प्रेरितों के पाँव पर रख देते थे। जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार वो बांट दिया करते थे। आमीन। भाइयों और बहनों, आज हम में भी वही पवित्र आत्मा है, आइए हम उसे अपने अंदर कार्य करने दें और इन भाइयों और बहनों जैसा बने। और इस अंक को बताने के लिए लूका हमें एक उदाहरण दे रहा है जो हमारा आखिरी अंक है। भाइयों और बहनों, मेरा आज का तीसरा और आखिरी अंक है प्रोत्साहन का पुत्र। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 4 का वचन 36 और 37। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिए। भाइयों और बहनों, यहाँ हम मिलते हैं यूसुफ से, और ये व्यक्ति कलीसिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वचन में उसके बारे में क्या लिखा है? वचन उसके बारे में लिखता है सबसे पहले कि वो एक लेवी था। यूसुफ के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 18 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि परमेश्वर मूसा को लेवियों के बारे में कहते हुए दिखेंगे कि जब वो वाचा की भूमि में आएंगे तो वहाँ उनके पास कोई जमीन नहीं होगी, वो मंदिर में ही रहेंगे और एक याजक के रूप में मंदिर का कार्यभार संभालेंगे। और यहाँ हम उसी यूसुफ को कैसे देखते हैं? वो एक लेवी होने के बावजूद भी वो अपने जमीन को बेच सकता है। भाई और बहनों, ये आसान है। परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था कि उस देश में उनके लिए कोई जमीन नहीं होगी, पर कुप्रुस यह जगह अभी तुर्की देश में है और वह गिना नहीं जाता।
और एक बात जो हम यूसुफ की देखते हैं कि प्रेरितों ने उसका नाम बदलकर बरनबा रखा। आखिर क्यों? इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, पर यह कह सकते हैं कि जैसा हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह को अपने चेलों के नाम बदलकर नए नाम देना अच्छा लगता था, जैसे वह शिमोन के पास आकर कहता है, शिमोन तुम्हारे नाम का अर्थ सुनना है और तुम इसमें बहुत अच्छे हो, तो तुम्हारा नाम मैं कैफा यानी पतरस रखता हूँ, जिसका अर्थ है एक छोटा पत्थर या फिर पत्थर की गोली। उन्होंने याकूब और यहोन्ना को सन्स ऑफ थंडर के नाम दिया यानी गर्जन के पुत्र, और ये संभावना है कि चेलों को भी अपने गुरु की आदत लगी होगी, और वास्तव में यूसुफ को उसका नाम जचता भी है। लूका यूसुफ के बारे में क्या लिखता है? वह लिखता है कि वह साइप्रस वापस अपने घर चला गया और अपनी जमीन बेच दी और जो भी पैसा मिला उसे लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। वो जरूर बढ़िया होगा जब बात आती है किसी को प्रोत्साहन देने की, किसी को मदद करने की, या फिर किसी को पूछने की कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना कर सकता हूँ, या फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या फिर दूसरों के लिए वो हमेशा तैयार रहता होगा। भाई और बहनों, क्या आज हम ऐसे हैं? आपको आपके भाई और बहनों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्यार और एक दूसरे के लिए दया बहुत ही मायने रखता है। किसी को एक कॉल कर दिया और पूछ लिया कि आप कैसे हो, किसी को कभी भोजन के लिए अपने घर पर बुला लिया, या फिर अपने बच्चों को गले लगाकर उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यही थोड़ा सा प्यार किसी का जीवन बदल सकता है। भाई और बहनों, आपको ऐसा करने से आज क्या रोक रहा है? भाई और बहनों, कई बार हम नहीं जानते कि हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठा है वह किसी कठिन दौर से गुजर रहा है। किसी को सिर्फ एक मुस्कान भी बहुत खुशी दे सकती है, और पता नहीं आपकी एक मुस्कान उनके लिए दुनिया हासिल करने जैसा हो। मैं बहुत ही कदर करता हूं ऐसे भाइयों और बहनों का जो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं, संगति में शामिल होते हैं, एक दूसरे के लिए भोजन बनाते हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैं बहुत ही कदर करता हूं सभी भाइयों और बहनों का जो ये करते हैं। अगर आज हम खुद को इस क्षेत्र में कमजोर पा रहे हैं तो हमें इससे सीखना है। आइए निर्णय बनाएं, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को हमें प्रोत्साहित करना है। और एक बात भाइयों बहनों, कई बार हम जल्दबाजी में ऐसी बातों में बढ़ने का निर्णय ले लेते हैं कि मुझे हर दिन किसी ना किसी को प्रोत्साहित करना है, पर कुछ दिन बाद इस बात को करना हम भूल जाते हैं। तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो परमेश्वर चाहता है वैसे ही जी रहे हैं? हम सुनिश्चित कर सकते हैं पवित्र शास्त्र अध्ययन कर, हर दिन पढ़कर और उसे समझकर कि वचन क्या कहता है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर के बारे में गहराई से जान पाओगे, और जब कोई सताव या परेशानी आएगी, आप खुद को प्रार्थना करते हुए पाओगे, और इसी प्रकार प्रार्थना आपकी प्राथमिकता बन जाएगी, आपका पहला सहारा बन जाएगी, और जैसे आप प्रार्थना में बढ़ोगे तो आप में मसीह का मन होगा, जिसके कारण आप अपने विश्वासी भाई और बहन के लिए अपने आप का इनकार करोगे और उनकी सेवा करोगे, और यही बात आपको आपके भाइयों और बहनों के लिए एक प्रोत्साहन का पुत्र, एक शांति का पुत्र बनने के लिए मदद करेगी, और तब आप खुद को पहली कलीसिया के भाइयों और बहनों जैसा बनता पाओगे, जो प्रेरित की किताब का एक महत्वपूर्ण अंक है। सो भाइयों और बहनों, आज हमने तीन अंक देखे। हमारा पहला अंक था हमारी पहली प्रतिक्रिया। जेल से वापस आने के बाद में पतरस और यूहन्ना अपने विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ मिलते हैं, और उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है प्रार्थना। वो खुद को समर्पित करते हैं प्रार्थना में। हमने उनकी प्रार्थना देखी। हमारा दूसरा अंक था विश्वासियों का सब कुछ साझे का था। इनका परमेश्वर पर विश्वास और एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे के साथ का व्यवहार बहुत ही अद्भुत था, जहां उनकी हर एक चीज अपने भाइयों और बहनों के लिए थी।
हमारा तीसरा अंक था प्रोत्साहन का पुत्र, जहां हमने यूसुफ के बारे में जाना कि किस प्रकार वह एक प्रोत्साहन का पुत्र था, एक शांति का पुत्र था। आइए हम इनकी पहली प्रतिक्रिया से सीखते हैं, जहां पर उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा। आइए हम उनसे सीखते हैं कि किस तरह उनका आपस में प्यार था। वो एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आइए हम यूसुफ से सीखें कि हमें एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे के लिए हमें कैसे प्यार दिखाना है। मैं आशा करता हूँ आपने अध्याय 4 के दूसरे भाग से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। और इसी से हम प्रेरितों के काम की किताब के अध्याय 4 का अंत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के मैसेज से आपने बहुत कुछ सीखा और आपने बहुत सारा प्रोत्साहन पाया। प्लीज नेल्सन ब्रो को कॉल करके उनके साथ बांटिए कि आपने जो सीखा है और आपको कैसा लगा आज का मैसेज, और अपने भाइयों बहनों के साथ भी बांटिए जो आपने आज सीखा। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमेन। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया प्राण देकर, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया प्राण देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन तेरी काया। मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल।